झाबुआ जिले से 600 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने वाले रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर पर प्रकरण दर्ज। झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर एवं कलेक्टर अलीराजपुर गणेश शंकर मिश्रा, पीएचई के कार्यपालन यंत्री डीएल सूर्यवंशी, सुधीर कुमार सक्सेना व अन्य अधिकारियों व नेताओं के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर श्री अमित जैन द्वारा भादवी की धारा 197, 217, 259, 403, 406 व 409 एवं 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त सभी के विरुद्ध सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। 25 दिसंबर को महू इंदौर के पत्रकार श्री धर्मेंद्र शुक्ला के द्वारा उक्त आरोपी के विरुद्ध करीब 600 करोड़ के घोटाले में लिप्त होने संबंधी समस्त प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए उक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही उक्त सभी आरोपी पर भादवी की धारा 120 बी का भी आरोप लगाया गया। प्रकरण इस प्रकार है कि वर्तमान मंत्री डामोर तत्कालीन समय पर कार्यपालन यंत्री फ्लोरोसिस नियंत्रण परियोजना के रूप में पदस्थ थे तथा अन्य लोग भी उनके साथ सहयोगी थे, जिन्होंने फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं पाइप सप्लाई मटेरियल खरीदी व अन्य कई योजनाओं के नाम पर जो कि अलीराजपुर व झाबुआ क्षेत्र में की जानी भी उनके लिए करोड़ों रुपए के लिए बिल स्वयं ही पास किए गए एवं अपने प्रभाव से पास करवाए गए तथा विभिन्न योजनाओं में खर्च बताते हुए करीब 600 करोड़ का चूना जनता के धन को लगाया व नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद अब भाजपा के नेता बने फिर रहे हैं। उक्त लोगों ने व उनके कर्मचारियों ने ना तो आदिवासी के क्षेत्र में कोई फ्लोरोसिस नियंत्रण का काम किया, ना क्षेत्र में हैंडपंप खुदवाए, ना ही पानी की व्यवस्था की और ना ही कोई यूनिट आदि की स्थापना की, केवल भ्रष्टाचार से पैसा ही कमाते रहे। इस पर उक्त संगीन अपराधी के दस्तावेजों के धर्मेंद्र शुक्ला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सन 2015 व 2017 में याचिका लगाई गई थी। वह याचिका में पारित आदेश के अनुसरण में अलीराजपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष परिवाद में दस्तावेजों के पेश किया गया है। न्यायालय में गवाहों के कथन करवाए गए, जिस पर से कोर्ट ने 2280/2021 दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपियों की उपस्थिति होने के लिए 17 जनवरी 2022 तारीख नियत की गई है। भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले को भी नजरअंदाज करके तथा उनके सारे अपराधों पर पर्दा डालकर अपराधियों को राजनीति में जगह दी जाकर मंत्री बनाने की तैयारी है, जो कि दीमक की तरह चाट गए। उन्हीं को सिर पर बिठाकर वर्तमान सरकार अपने ईमानदार होने का ढिंढोरा पीटकर झूठा प्रचार करती है। वर्तमान प्रकरण वर्तमान सरकार की असलियत का ताजा प्रमाण है। संगीन अपराधियों को यदि राजनीति से बाहर नहीं किया गया तो पूरे देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रकरण में धर्मेंद्र शुक्ला की ओर से पैरवी अभिभाषक हरीश शर्मा एवं पीसी जैन अधिवक्ता द्वारा की जा रही है। झाबुआ से जिला ब्यूरो चीफ दीपेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।